जिले इंतजामिया गुजरात की टीम ने रकपब्बी के इलाके में कामयाब ऑपरेशन के बाद 70 साल से नाजायज काबेजीन के कब्जे से 325 एकड़ एराजी वागजार करा ली है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर कार्रवाई के दौरान वागजार कराई गई जमीन की कीमत 39.90 करोड़ रुपए से जायद है। ये तफसीलात डिप्टी कमिश्नर गुजरात सैफन वज्जप्पा ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताई। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन की निगरानी करने वाली टीम के सरबराह असिस्टेंट कमिश्नर सराय आलमगीर अहसन मुमताज भी इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर सैफन वज्जप्पा ने बताया कि तहसील सराय आलमगीर के इलाका रकपब्बी में वाके फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ और फिशरीज डिपार्टमेंट की मलकियती 371 एकड़ अराजी पर 1948 में कब्जा किया गया था। नाजायज काबेजीन ने इलाके में एक गांव आबाद कर लिया है। अहले इलाका से इराजी वागजार कराने के लिए कबल अजीम भी कोशिश की गई, जो कामयाब नहीं हो सकी। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि कीमती सरकारी एराजी वागजार कराने के लिए एसी सराय आलमगीर अहसन मुमताज की क्यादत में पुलिस और मुतलका महकमों के अफसरान मुलाजमीन पर मुश्तमिल खसूसी टीम तश्कील दी गयी, जिसने काबेजीन की तरफ से माजी में आजमूदा हरबों को नाकाम बनाते हुए जरई मकासद के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 325 एकड़ एराजी वागजार करा ली। जबकि रेवेन्यू स्टाफ ने रकपब्बी फॉरेस्ट की नई हदबंदी भी करके वहां निशानात भी लगा दिए हैं। इसके अलावा बाकी 46 एकड़ एराजी जहां गांव आबाद हो चुका है, उसकी हद तक ऑपरेशन ताहुकमेसानी रोक दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर सैफन वज्जप्पा ने करोड़ों रुपए मालियती सरकारी एराजी वागजार कराने पर एसी सराय आलमगीर अहसन मुमताज और उनकी टीम की कारकर्दगी को जबरदस्त सराहा। मिर्जा मोहम्मद यूनुस, आवाज न्यूज गुजरात। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।